अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुक विद शाहीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इससे मेरी हर वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो बॉल्स विदाउट चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए थे, उन्हें छील लिया है। अब मैं यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ और कुछ लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन की कलियाँ बड़ी हैं, एक से दो कलियाँ लें, और अगर आपके पास छोटी है तो चार से पांच ले सकती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर पेस्ट भी तैयार कर लिया है और आलू भी मैश कर लिए हैं। तो अभी पेस्ट को मैं आलू में मिक्स कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सूखी धनिया, जो कि धनिया के दाने हैं, हाफ टी स्पून। इसमें से आप कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकती हैं, और अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐड करना चाहती हैं तो वो भी ऐड कर सकती हैं। ये मैंने जीरा डाला है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकती हैं, थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर सकती हैं, और चाहें तो हींग भी थोड़ी सी ऐड कर सकती हैं, वरना आप इसमें से कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ चार से पाँच, इसे हम अरारोट भी बोलते हैं हिंदी में। तो चार से पाँच टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और याद रहे, जब आप चिली पेस्ट बनाएं तो वो उसमें पानी ना हो, वरना फिर आपका ये जो भरता है वो गीला हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से बॉल्स में करेंगे। कोशिश करें कि ज़्यादा बड़े बॉल्स ना बनाएँ, छोटे बॉल्स बनाएँ। ऑयल हीट करेंगे और ये सारे बॉल्स एक एक करके डालते रहेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। एक बात ज़रूर ध्यान में रखें, अगर आपने भरते में, आलू के भरते में कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है तो आप तुरंत ही इसे बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये भरते को रख देंगी तो शायद आलू आपके ख़राब हो जाएं या इसका टेस्ट बिगड़ सकता है, इसलिए। और एक बात और ध्यान में रखें कि जब आप ये बॉल्स बनाएं तो गर्मा गर्म सर्व करें, क्योंकि अगर आप ठंडा सर्व करेंगी तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, वैसे ये कुरकुरा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे हर तरफ से, धीरे धीरे पलटते रहेंगे। इसके अलावा मैंने और भी स्नैक्स रेसिपीज़ बनाई हैं, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने नॉन वेज, वेज, स्नैक्स, ड्रिंक्स, चटनीज़, हर तरह की प्लेलिस्ट आप देखें, चेक करें, और इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह वो कोशिश करूँगी बनाने की। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पोटैटो बॉल्स विथ नो चीज़ तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।